नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मौजमाबाद कस्बे के मीरापुरा में नेहरू युवा मंडल कार्यालय में शिवराज जाजुंदा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव के चहुंमुखी विकास, महिला सशक्तिकरण व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विवेकानंद युक्ति मंडल मीरापुरा का गठन किया गया। गांव की 30 युवतियों ने मिलकर इस मंडल का गठन कर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का संकल्प लिया। आज गांव मीरापुरा में 30 युवतियों ने मिलकर गांव के विकास हेतु, महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विवेकानंद युक्ति मंडल का गठन किया गया। मैं आशा करती हूँ कि यह मंडल गांव के सर्वांगीण विकास में सहयोग करेगा। मैं सिंह चौधरी, राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक ब्लॉक मौजमाबाद, इस मंडल के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। ग्राम पंचायत करवाड़ की वार्ड नंबर 5 में बनी सीसी सड़क पर नालियां अवरुद्ध हो रही है। पानी सड़क के ऊपर से बहता है। ये रास्ता घटिया सामग्री के उपयोग की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीणों को और मोहल्ले वालों को आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इस रास्ते पर हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। चमू विधानसभा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुज आत्रेय के नेतृत्व में रक्तदान शिविर व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुज आत्रेय ने बताया कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत चमू के जयपुर सीकर हाईवे स्थित राधास्वामी बाग तिराहे पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 106 यूनिट रक्तदान किया गया। केशवरायपाटन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पूर्व मंत्री व विधायक बाबूलाल नागर को सलाहकार नियुक्त करने पर केशवरायपाटन नगर पालिका चेयरमैन कन्हैयालाल कराड़ के नेतृत्व में जयपुर स्थित आवास पर जाकर माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधि विभाग के प्रदेश सचिव हफीज शेख एडवोकेट और डॉक्टर अमन आशु बागड़िया मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।